श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो दिन बाद दिवाली आने वाली है, तो मैं आपको हमेशा शख्सियत में कई लोगों से रूबरू कराती हूं। तो इस बार मैंने सोचा कि दिवाली में क्यों ना आपको प्रेजेंट के फैशन ट्रेंडिंग से रूबरू कराए, तो आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी और मेरा एंटरटेनमेंट भी। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि इस बार दिवाली में क्या ट्रेंडिंग फैशन चलने वाला है, किस तरीके की ड्रेसेस लोग ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो यहाँ पे मौजूद लोगों से ही सीधे हम बात करते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको यहाँ के फेमस मार्केट पत्रकारपुरम पर, जहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग अपने दिवाली की खरीदारी में बिजी हो चुके हैं और किस तरीके की वो चीजें पसंद कर रहे हैं, सीधे उनसे ही बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? कविता जी। कविता, कविता जी, ये बताइए कि अभी दिवाली, दो दिन बाद दिवाली सब शुरू होने वाली है, आप आज यहाँ कपड़े खरीदने आई हैं, तो कौन सा मतलब किस तरीके के कपड़े बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और किस तरीके के कपड़े ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं? मैम अभी तो देखा नहीं है कुछ, देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ तो डिजाइन करके आई होंगी, कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि आप आज कपड़े लहंगा वगैरह जी। तो यहाँ की बेटी है साथ में, आप कौन सा, आप क्या ड्रेस लेने वाले हो? मैं भी लहंगा ही लेने वाली हूँ। लहंगा लेने वाली, तो लहंगा में कौन सा स्पेशल होता है, किस तरीके का घेर वाला, क्योंकि बहुत वैरायटी आती है लहंगे की, तो उसमें कौन सा आपने पैटर्न सोच रखा है? मुझे नेट वाले लहंगा अच्छे लगते हैं जिसमें चिकनकारी का वर्क। चिकन, चिकन अभी हमने यहाँ पर बात की और ये बोल रहे हैं कि ये लहंगा लेने वाली हैं। फिलहाल और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की वो ड्रेस पसंद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके की ड्रेस पसंद कर रही हैं और दिवाली में अपने को किस तरीके से डेकोरेट करने वाली हैं, किस तरीके से सजाने वाली हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? संध्या जी। संध्या, संध्या जी, अच्छा संध्या जी, आज यहाँ पर आप शॉपिंग के लिए आई हैं, तो ये बताइए दिवाली में आप किस तरीके की ड्रेस पहनने वाली हैं? सूट पहनने वाली हूँ। सूट पहनने वाली हैं। सूट में आजकल, ये बताइए हमें थोड़ा सा फैशन के बारे में, मुझे जानकारी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ, तो ये बताइए कि कौन सा क्या ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे, किस तरीके के सूट्स वगैरह या लेगिंग्स, मतलब क्या चीज पसंद किया जा रहा है? अपनी अपनी फैशन होती है लोगों की, जिसको जो पसंद है वो पहनता है। हमारे सिंपल तरीके, हमें सिंपल तरीके से रहना पसंद करती है। थैंक यू सो मच, आपने बताया कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कि कौन किस तरीके की चीजें पसंद करता है, सबकी अलग अलग डिमांड होती है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या वो देखने वाले हैं अपने दिवाली के लिए। मैम ये अभी हम, आप हमें थोड़ा सा मेकअप के बारे में बताइए कि किस तरीके के मेकअप लोग ज्यादा पसंद करते हैं और अभी क्या है, अभी कौन सा मेकअप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है? आई मेकअप। आई मेकअप बहुत ट्रेंडिंग में है क्योंकि कोविड की वजह से लोगों के लिप्स तो नहीं दिख रहे हैं, तो लिपस्टिक का ट्रेंड बहुत कम हो गया है, बट आई मेकअप सबका दिखता है, तो इजिली लोग फोकस ज्यादा कर रहे हैं आई मेकअप पे, जैसे कि कलर्ड लाइनर्स, कलर्ड आई शेडोज, कलर्ड काजल, इस सबका ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, तो इसी वजह से अभी हम भी उस पे ही फोकस करते हैं आई मेकअप पे। कस्टमर को कन्विंस करने के लिए हम सबसे पहले आई पे ही करते हैं, क्योंकि वो मास्क लगाए, अगर हम उससे लिपस्टिक भी कन्विंस करेंगे तो वो सीधे बोलते हैं कि हमारा मास्क है तो हम क्या करेंगे लिपस्टिक लगा के, तो इसीलिए आई मेकअप का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी ये सोनाली बता रही हैं क्योंकि कोरोना काल के टाइम से, क्योंकि सब लोग मास्क लगा लेते हैं तो मास्क में लिपस्टिक तो दिख नहीं पाती है, तो इन लोगों ने आई मेकअप पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि आई मेकअप लोग दिखा रहे हैं और आई मेकअप में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। फिलहाल अभी और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो किस मेकअप की बात करते हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? करिश्मा गुप्ता। करिश्मा, तो करिश्मा आप ये बताइए कि कौन सा मेकअप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और आपको लगता है कि मतलब दिवाली है, दिवाली को देखते हुए क्या चीज ऐसा है जो एनहेंस करे हमारी ब्यूटी को? जैसे लोग मेकअप, पहले तो लाइनर तो वैसे बेसिकली हो गया, लिपस्टिक जो है के कहते हैं, थोड़ा सा लोग कम लगाने लगे इस टाइम, फेस को थोड़ा सा ग्लो देने के लिए लोग प्राइमर, जैसे मेकअप भी करते हैं तो हाइलाइटर और ब्लशर की ज़्यादा नीड होती है, तो इस बार टाइम दिवाली पे सब लोग ज़्यादातर हाइलाइटर, ब्लशर या फिर आई शेडो पैलेट ये सब ज़्यादा परचेज कर रहे हैं लगाने के लिए कि फेस्टिवल आ रहे हैं। अच्छा आपने मुझे परचेजिंग का तो बता दिया, लेकिन मैं कैसे लगाऊं मुझे आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे टेक्निक भी प्लीज बताएं ताकि मैं दिवाली पे ना बहुत अच्छा सा एक लुक मेरा होना चाहिए। आप
पहले तो स्मोकी आईज अगर क्रिएट करना चाहते हो तो स्मोकी आईज क्रिएट करने के बाद आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाए, फिर हाइलाइटर, आप ब्लशर और उसके बाद आपका शिमर आप यूज़ करेंगे, फिर आपका फेस बिल्कुल डिफरेंट ग्लो करता है। आप पार्टी में भी जा सकते हो ये सब यूज करके। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो किस तरीके की ज्वेलरी पसंद कर रही हैं, किस तरीके की ज्वेलरी ले रही हैं अपने अपकमिंग दिवाली के लिए, तो सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता सर। सुनीता जी, सुनीता जी आज आप यहाँ पे ज्वेलरी की शॉपिंग करने आई हैं, ये बताइए कौन सी ज्वेलरी आप ले रही हैं? यहाँ का हम लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं कुंदन की और वैसे एंटीक में भी ये जैसे है ये वो पहनने में ये सब सारी काफी अच्छा कलेक्शन रखते हैं और बहुत अच्छा है इनके पास, मैं काफी बार ले चुकी हूँ। अच्छा, अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड और ट्रेंडिंग ज्वेलरीज जो है, तो उसमें अगर आपको एक सिलेक्शन दिया जाए तो आप क्या चीज सेलेक्ट करेंगी? गोल्ड का एक होता है कि लेडीजों का फॉरएवर गोल्ड, लेकिन ट्रेंडिंग का भी अपना एक अलग मजा है, जो ही है दोनों बहुत पसंद करती है लेडीज, क्योंकि वही होता है ना कि ट्रेंडिंग आप ड्रेस के अकॉर्डिंग। हाँ, ड्रेस है, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब पसंद तो दोनों ही आते हैं, ट्रेंडिंग आते हैं। आप ये बोल रहे हैं, अगर हम लड़कियों की बात करते हैं या और बच्चों की बात करते हैं, मतलब उनको भी यही चीज ज्यादा पसंद आती है? उनको ज्यादा इस टाइप की ज्वेलरी काफी, या कुंदन में कुछ हो गया, मीनाकारी, वो लोग लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पहनना पसंद करती। तो और क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी दिवाली को लेके? हम लोग अब यही ले रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह ले रहे हैं, बाकी थोड़ा घर के सामान। थैंक यू। सुनीता जी ने तो अपनी ख्वाहिश बता दी है कि वो किस तरीके की ज्वेलरी ले रही हैं और किस तरीके के कपड़े वो अधिकतर पहनना पसंद करती हैं। उन्होंने ये भी बोला कि लाइट वेटेड अगर साड़ी होगी तो, क्योंकि दिवाली पे लेडीज के पास बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से उनको काम में दिक्कत ना आए और उनका फैशन भी कम्प्लीट रहे, तो इस वजह से वो लाइट वेटेड साड़ी पहनना पसंद करती हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या वो परचेज कर रहे हैं, किस तरीके के अपने फैशन को ट्रेंड में लेके आ रहे हैं। एक मैम और हमारे साथ हैं, वो किस तरीके की शॉपिंग पे निकली हैं और क्या चीज परचेज कर रही हैं, सीधे उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम जूही है। जूही, प्रॉपर लखनऊ की मैं जी। तो बस ऐसे ही यहाँ पत्रकार में आई हूँ शॉपिंग के लिए, आई हूँ दिवाली के लिए एज यूजुअल। बट यहाँ पे थोड़ा सा रेंज काफी थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है जी। थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है, लाइट्स वाइट्स है, ज्वेलरी है जी। और आज मार्केट कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहा है जी। हाँ, पहले तो मैम अभी दो दिन में, तीन दिन में, क्योंकि अब दो तीन दिन बाद दिवाली है जी। तो जितना मार्केट ये लोग लगा रहे हैं पहले से ज्यादा काफी दिख रहा है, कल परसों में इतना नहीं था बट आज बहुत ज्यादा है जी। अच्छा ये बताइए कौन सा ट्रेंडिंग, अभी हम फैशन की बात करते हैं, किस तरीके की ड्रेसेस पसंद की जा रही हैं दिवाली के? आजकल थोड़ा सा वैसे जैसे अनारकली टाइप्स हैं, थोड़ा सा मतलब ब्राइट कलर्स हैं, आपने जैसे नियॉन में चला गया, ग्रीन चला गया, हमारा ऑरेंज, रेड है, ब्लू है, सब फेस्टिवल कलर है जी। तो वो आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे आप देखिए यहाँ तो बहुत कुर्ती ऐसे ड्रेसेस लगी हैं, और प्लाजो ड्रेस तो आजकल बिल्कुल जब से आया है मार्केट में तो सिर्फ प्लाजो ही प्लाजो चल रहा है, सूट है, प्लाजो है, स्कर्ट्स है विद लॉन्ग सूट्स और कुर्ती। थैंक यू, बाय। अभी हमने सेम टू यू मैम, तो अभी हमने यहाँ पे जूही जी से बात की, जूही जी ने अपने फैशन ट्रेंड के बारे में भी बताया और उनने ज्वेलरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब गोल्ड बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, ट्रेंडिंग ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि उसको आप किसी भी ड्रेस के साथ आप ये आसानी से वियर कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड जो है वो हैवी ड्रेस के साथ में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और कितने लोग हैं, आइए मार्केट चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं और वहाँ पे लोगों से बात करते हैं, वहाँ के दुकानदार क्या कहते हैं, सीधे दुकानदारों से भी बात करते हैं किस तरीके के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और किस तरीके की लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और इसी डिमांड के चलते हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो आज आप जैसे देख रहे हैं कि हम दिवाली की तैयारियों पर निकले हैं, जिसमें हम लोग ट्रेंडिंग ड्रेस, ज्वेलरी, लाइटनिंग सब पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने तमाम लोगों से बात की है, जिसमें हमने कई महिलाओं से बात कर चुके हैं, दुकानदारों से बात कर चुके हैं। अब हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, आखिर क्या कह रहे हैं, सीधे उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। आई हैव सीन यू आउट फ्रॉम द 10 मीटर डिस्टेंस, यू आर एक्चुअली डूइंग द नाइस रिपोर्टिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू द वे यू आर हैंडलिंग योर कैमरा एंड योर माइक। मोर ओवर दिवाली सीजन इज गोइंग ऑन, so being a common man of India, I would like to say something. So I'm going to speak in Hindi because the maximum population of North in comfortable in Hindi, not in English.
तो राम भगवान की याद में दीपावली मनाई जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि भगवान राम जब रावण से युद्ध जीत के आए थे तो उन्हीं के याद में भगवान के वासियों ने, मतलब अयोध्या वासियों ने दीप जला के उनका स्वागत किया था, तो दीपावली मनाई जाती है। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि दीपावली केवल शॉपिंग करके ना मनाएं, दीपावली पर्व जो है इसको केवल पूजा पाठ तक ना शामिल करें, अपने अंदर भी राम के कुछ चरित्र को जागृत करें, तभी हमारा देश कुछ आगे बढ़ सकता है। जैसे कि आपको याद होगा कि भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो उस समय पे भगवान राम और वो तो राक्षस योनि के थे तो राक्षस ही कहलाएंगे, तो भगवान राम के जो मित्र थे विभीषण, वो उनके साथ थे और यही कहते थे कि भगवान राम आप तो ना आपके पास वनवासी हैं, आपके पास चप्पल भी नहीं है, आपके पास रथ भी नहीं है, कैसे जीतेंगे इस रावण से जो कि महाबली है। तो वो कहते हैं कि प्रभु नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विद जीते वो वीर बलवाना। तो आज भी हमारे जीवन के अंदर ऐसी ऐसी चुनौतियां आती हैं जो हम उनसे बहुत छोटे रह जाते हैं। जीवन में हमारी ऐसी चुनौतियां आप देखने को मिलेंगी आपको, जिसमें हम अपनी आर्थिक स्थिति से, मानसिक शारीरिक स्थिति बहुत छोटे हैं, लेकिन भगवान राम के आदर्शों पे हम उनको जीत दिला सकते हैं। वो कैसे? भगवान राम कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। तो ये जो भगवान राम ने, आप इसको इजीली देख सकते हैं रामायण के अंदर, ये दोहे हैं और उनका कहने का अर्थ ये है कि वो रथ नहीं है जो विभीषण बोलता है ना कि रावण तो रथ पे आ रहा है, तो भगवान कहते हैं जय जय होए सुस्यंदन आना, मतलब वो रथ नहीं है जिससे हमारी जीत होगी। रथ तो मैंने आपको जो अभी बताया कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, तो आप अपने जीवन में सत्य रखें, धैर्य रखें, अपने जीवन के अंदर एक विश्वास रखें, सत्यता रखें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रखें, ईमान से काम करें, नीयत से काम करें, और महिलाओं का विशेष करके सम्मान करें। और हमारे देश के अंदर आज हालात अच्छे नहीं है, तो हालात इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बढ़ रहे हैं, रोडें अच्छी हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, बल ठीक है पेट्रोल के दाम थोड़े से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बाकी चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, ट्रैफिक अच्छा हो रहा है, हमारे हाईवेज अच्छे हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के बाद में भी हमको कुछ कमी लग रही है अभी देश के अंदर, सबसे ज़्यादा वो है हमारे संस्कारों की कमी। अपने देश के अंदर, अपने दिल के अंदर एक संस्कार पालें, भगवान राम के चरित्रों पे हम आगे बढ़े, तभी हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। मोदी जी चाहे कुछ कर ले, नितिन गडकरी कुछ कर ले, अमित शाह कुछ कर ले, कोई कुछ होने वाला। हम लोग ज्वेलरी भी बात कर चुके हैं और हम लोगों ने कुछ फैशन से भी रिलेटेड बात की है, अभी हम कुछ लाइटनिंग की बात करने वाले हैं, किस तरीके की लाइटनिंग लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे जानेंगे कि वो अपने घर को सजाने के लिए किस तरीके की लाइटों का यूज करने वाले हैं। तो मैम क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा, तो गरिमा जी आज आप मतलब पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है दिवाली की। ऑब्वियस है, ये सभी के लिए बहुत बेस्ट फेस्टिवल है, तो दैट इज व्हाई। तो अच्छा ये बताइए, आप कौन सी लाइट हो, मतलब कौन सी ज्यादा लाइट पसंद करती हैं? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक कैंडल्स, इलेक्ट्रिक कैंडल्स पसंद करते हैं। अच्छा ये है कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा इंडियन लाइट्स भी हैं एंड चाइनीज भी हैं, तो आप किसको पहले प्रेफर करती हैं? बेसिकली इंडियन, बट ऑन द वे चाइनीज आल्सो। जी हाँ, इंडियन तो प्रेफरेंस पहली होती है हमारी। हाँ। तो आप क्या खरीद रही, दिखाएंगे आप मुझे? फिलहाल तो मैं ये लाइटिंग कैंडल्स खरीद रही हूँ फॉर स्टडी टेबल पर्पस से, इट्स वेरी बेस्ट फॉर अस। हाँ। तो ये मतलब कितना मैम, ये इसको हम कहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं इस तरीके से? स्टडी टेबल्स पे कर सकते हैं, जहाँ पे लाइक हमारे जो रूम के अंदर का डेकोरेशन है उसमें इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज उससे बर्निंग एंड ऑल का चांसेस बहुत कम होता है, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस। Okay. मतलब ये है कि थोड़ा सेफ भी रहता है। हाँ, क्या सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। अच्छा हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या खरीद रही हैं। मैम क्या नाम है आपका? मांडवी। मांडवी जी, मांडवी जी आज आप यहाँ पे लाइट में कौन सी लाइट ज्यादा प्रेफर करती हैं? इंडियन ही। इंडियन? हाँ, इंडियन में कैंडल, बट ये थोड़ा सा शो पीस के लिए मंदिर में लगाने के लिए, जिससे लाइट वाइट करना थोड़ा सा वो हो, बस उसलिए सिर्फ शो पीस के लिए। बाकी ये है, अच्छा डेकोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा डेकोरेशन ज्यादा आपको अच्छा लगता है? कई लोग बहुत ज्यादा हैवी डेकोरेशन कराते हैं, कोई बहुत थोड़ा हल्का पसंद करते हैं। रंगोली, आपकी रंगोली, रंगोली लाइट्स में? अच्छा लाइट्स में कैंडल दिए, मिट्टी के दिए डेकोरेट करके फिर आप उसमें दिए में जलाइए, तो वेस्ट भी नहीं होगा ज्यादा और अच्छा भी लगेगा कि बाद में उसको वेस्ट करें, पैसे वेस्ट करें, उससे तो बेटर ही है। अच्छा मांडवी जी आप तैयारी, आपने लाइट की तो आप तैयारी कर ही रही हैं, आप ही बताइए और किस तरीके से रेडी होने वाली हैं? कौन सा ड्रेस? हाँ हाँ, कौन सा ड्रेस आप? इंडियन साड़ी। क्यों
साड़ी क्यों, कुछ और भी ड्रेस आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, बहुत सारे ड्रेसेस है, बट वो इट इज एन इंडियन फेस्टिवल। हाँ, तो इंडिया है तो इंडिया में तो साड़ी है ना, इंडियन ड्रेस तो मेन साड़ी है, तो हम उसको फेस्टिवल पे ही कैरी करते हैं, अदरवाइज वर्किंग है तो वो डेली नहीं यूज कर सकते, या फिर कहीं शादी पार्टी में ही हो पाता है। तो हम सोचते हैं कि अगर कोई फेस्टिवल है हमारा इंडियन का तो हम साड़ी पहने। थैंक यू। हमने यहाँ पे जो मांडवी एंड गरिमा जी से बात की, इन्होंने बताया कि वो किस तरीके की लाइटें पसंद कर रही हैं। उन्होंने कैंडल हमें दिखाई है, वो कैंडल इलेक्ट्रिक कैंडल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे कोई भी दुर्घटना अगर होनी हो तो दुर्घटना से सेफ रहता है घर, क्योंकि बच्चे भी होते हैं घर में तो उनसे सेफ रहता है, और उससे हम अपनी डेकोरेशन भी कायम रख सकते हैं और अपने मन की चीज़ें भी हमारी हो सकती हैं। लेडीज़ भी हमारे साथ में मौजूद हैं, वो क्या शॉपिंग करने आज निकली हैं अपनी दिवालियों को लेकर, दिवाली को लेकर, तो सीधे उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? हाँ मैम, क्या नाम है? बीनू शुक्ला। बीनू शुक्ला, तो आज ये बताइए आप कौन सी तैयारियों में निकली हैं, किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं? दीपावली की तैयारी हुई तो रोली है, दीपक है, यही सब कैंडल वैंडल लेना है त्यौहार के उसमें, तो इसीलिए बस। क्या खास करने वाली है, क्योंकि आप जानती हैं 2 साल से कोरोना की वजह से सब हमारा दिवाली, बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया कि सारे लोग सुरक्षित हैं और त्यौहार अच्छे से हो रहा है, इससे बेटर और क्या है, यही बहुत बड़ी बात है। इस बार अगर हम आपके मेकअप एंड ट्रेंडिंग एंड ड्रेस एंड ऑल मेकअप वगैरह पे बात करते हैं तो क्या ट्रेंडिंग में है आपके अकॉर्डिंग? नहीं नहीं बस ओके, मैं तो सिंपल सी हूँ, कोई मेकअप का कोई वही नहीं है। ओके बस, हैप्पी दीपावली। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस वक्त हम लोग पत्रकारपुरम चौराहे पर यहाँ पे जो बाजार लगी हुई है दिवाली की, उसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लोगों की तैयारियां, देख रहे हैं सब लोग अपने ट्रेंडिंग्स फैशन और ट्रेंडिंग लाइट्स के बारे में बात करती है। देखिए हमें कितनी एक अच्छी चीज मिली है, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि आप इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इतनी तरीके की लाइट आ चुकी है, आप खुद देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। फिलहाल मुझे इन सब को देख के ऐसा वो वाला गाना याद आ रहा है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ऐसा ही कुछ लुक आ रहा है ना, फील आ रहा है कि ये यहाँ पे जिस तरीके से लाइटें अलग अलग टिमटिम आ रही हैं, इन लाइटों की क्या खास बात है? सीधे यहाँ पे जो मौजूद हैं उन्हीं से पूछेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक, ये बताओ कि अभी जो लाइटिंग, अभी क्योंकि दिवाली है, दिवाली 2 दिन बाद दिवाली है, किस तरीके की लाइटें लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? सिंगल लाइटें, सिंगल कलर की। सिंगल कलर जी। अच्छा, सिंगल कलर में भी अगर बेसिकली हम किसी कलर की बात करते हैं तो कौन से कलर की ज्यादा पसंद की जाती है? येलो, रेड, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक। अच्छा, नहीं तो एक बात बताओ कि मतलब मल्टी कलर में सारे कलर्स मिलते हैं, सिंगल लाइट पसंद करने के पीछे क्या कारण है? सिंगल कलर लगाने में कुछ अलग ही लुक आता है। अच्छा जी, तो वैसे तो मल्टी कलर में भी बहुत ज्यादा पूरा रंगीन दिखता है, और सिंगल में तो सिर्फ एक सिंगल कलर होता है, तो उसमें इतना इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से तो लगता नहीं कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो। अच्छा अच्छा, और क्या खास है, कौन सी लाइट है? जैसे क्योंकि बाजार में इंडियन लाइट और चाइनीज लाइट, बहुत सारी तरीके की लाइट है, तो इंडियन लाइट लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं या चाइनीज? इंडियन। इंडियन जी, मेरे पास चाइनीज लाइट मिली है जो कि 100 रुपए में बेच रहा हूँ, 15 मीटर है। हाँ। बाकी इंडियन जो 15 मीटर 150 रुपए में होगी। अच्छा जी, तो इनका क्या रेंज है, किस रेंज में मिल रही है? 100, 150, 200, 250 ऐसी है। 100, 150। चाइनीज कितने की है? चाइनीज 100 रुपए में। चाइनीज 100 रुपए, 15 मीटर। और इंडियन 150 रुपए में, 15 मीटर। ओके, ये 150 रुपए में है, 100 रुपए में है। अच्छा, इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये कितना चलती है? वायर ना डैमेज हो चलती बढ़िया है, वायर ना डैमेज हो तो चलती है। जी मैम, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने, दीपक ने तो अपनी बात बता दी है कि लोग इंडियन लाइट ज़्यादा पसंद करते हैं और ये इंडियन लाइट ही बेचना पसंद करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि लोग सिंगल लाइट, जो सिंगल कलर्स के जो लाइट है वो वाली ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको ज़्यादा एनहेंस करने के लिए लोग अपने अपने कलर्स लेते हैं और सिंगल लाइट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ड्यू टू मल्टी कलर के अकॉर्डिंग। तो लगातार हम आपकी तैयारियां करा रहे हैं, आपको फैशन ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं, ताकि आने वाली जो दिवाली है वो आपकी बहुत ही मस्त जाए, सुपर्ब जाए, जिसमें हमने आपको ज्वेलरी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, आपको लाइटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, मेकअप के लिए भी हम काफ़ी कुछ बता चुके हैं। अब हम कुछ ड्रेसेस पे बात कर रहे हैं, तो कौन सी ड्रेस ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? काफ़ी लोगों ने बताया कि वो साड़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिलहाल हम आप एक शॉप पर हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइनर ड्रेसेस लगी हुई हैं, जो कहा जा रहा है कि उसमें भी काफ़ी लोग गाउन वगैरह भी पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक मैम मौजूद है, तो मैम क्या नाम है आपका? जी रूपाली। रूपाली जी, जी। अच्छा रूपाली जी, ये शॉप आप ही की है? मतलब नहीं मैम, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा अच्छा,
अच्छा। तो रूपाली जी ये बताइए, जैसे दिवाली अब है एंड सहालक भी लगने वाला है, बाकी है कि ये बताइए कि लोग किस तरीके की ड्रेसेस ज्यादा पसंद करते हैं, किस चीज की डिमांड ज्यादा रहती है? मैम इस टाइम तो वैसे भी जैसे इंडो वेस्टर्न का जैसे थोड़ा सा ज्यादा क्रेज है, जैसे कि शरारे हैं और लहंगे का इस टाइम थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल में ज्यादा है। जी अच्छा, दिवाली में भी लोग हैवी लुक पसंद करते हैं, हैवी ड्रेसेस पसंद करते हैं? वो जैसे वो दिवाली में तो कोई इतना हैवी नहीं लेना पसंद करता है, बट जैसे शादी वगैरह में लोग जैसे हैवी ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये है कि अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, किस रेंज के लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि बहुत हाई रेंज पसंद किया जाता है? रेंज मैम थोड़ी सी कस्टमर की जैसे है कि अपना 2-2.5-3 के आसपास का ज्यादा रहता है, बाकी अपना जैसे कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर की चॉइस पे है, चॉइस अगर अच्छा लग गया तो फिर उसको रेट का कोई दिक्कत नहीं है। जी, फिलहाल अब हम मौजूद हैं एक पार्लर में, हम मौजूद यहाँ पर आ चुके हैं एक ब्यूटी पार्लर में, चलिए आपको थोड़ा सा मेकओवर भी करा दें, तो आइए चलते हैं। किस तरीके का लोग मेकअप करा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं अपने दिवाली की तैयारी में, तो वो किस तरीके का मेकअप पसंद कर रहे हैं? तो मैम जी, तो ये मैम यहाँ पे दिवाली की तैयारियों में लग चुकी हैं, अपने आप मेकओवर इनका शुरू हो चुका है और इनकी हेयर कटिंग फिलहाल चल रही है। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पायल है जी, और मैं हेयर कट कराने आई हूँ, दिवाली की तैयारी है। हाँ। तो अब कल से टाइम नहीं मिलेगा। हाँ। तो आज सारा वॉश, हेयर कट और अभी बहुत सारी चीजें और करानी है, फेशियल वगैरह वो सब अभी कराऊंगी। अच्छा, ये बताइए अगर आप हेयर स्टाइल ही करा रही हैं, आपको कैसा हेयर स्टाइल ज्यादा पसंद है? आप कर्ल में पसंद करती हैं, स्ट्रेटिंग पसंद करती हैं? नहीं नहीं, मैं स्ट्रेट ही हेयर हमेशा रखती हूँ और इसीलिए मैं स्ट्रेटनिंग ही करा रही हूँ, हेयर कट के साथ स्ट्रेटनिंग ब्लो ड्राई लूंगी। अच्छा, हम कुछ ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल की बात करते हैं, तो किस तरीके का हेयर स्टाइल ज्यादा पसंद किया जाता है? लॉन्ग हेयर कट पसंद करते हैं या शॉर्ट में पसंद करते हैं, स्टेप्स में पसंद करते हैं या लेजर पसंद करते हैं? नहीं, आजकल तो देखिए सभी तरीके के हेयर कट है, जैसे कि ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो लोग जूड़ा बन बनवा लेते हैं, जैसे अभी नवरात्र में जितने भी मैरिज फेस्टिवल्स हुए थे लोग जूड़ा बन बनवा रहे थे उसमें, अभी जैसे कुछ लोग सूट्स वगैरह पहनते हैं तो गर्लिश लुक के लिए स्ट्रेट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा टाइम है लोगों के पास, कैसा क्या है। आजकल सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज है वो टाइम की है लोगों के पास, तो उसी तरीके से कर लेते हैं। ये तो अपना मेकओवर करा रही, फिलहाल इन्होंने हेयर स्टाइलिंग से शुरू किया है, यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, वो किस तरीके की स्टाइलिंग करवा रहे हैं, क्या चीज वो कराने वाले हैं, क्या नाम है मैम आपका? जी मैम रेनू वर्मा। तो मैम आज आप क्या मतलब मेकओवर लेने वाले हैं या क्या कराने आए? जी मैम अपना वैक्स कराना है मुझे और हेयर स्टाइल करानी है, बस यही सारी तैयारी है, फेशियल कराना है। अच्छा, यही सब चीजें कराना है। तैयारियाँ पूरी जोरों पर है दिवाली की, क्योंकि दिवाली फीकी नहीं होनी चाहिए। नो मैम। अच्छा, और अगर एक स्टाइल मंत्रा की बात करते हैं, तो स्टाइल मंत्रा में आप क्या, एक टिप अगर आपको देने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा टिप देना चाहेंगे? टिप कौन सा? अच्छा, मंत्रा का नहीं। अच्छा मंत्रा, फिलहाल ये टिप नहीं दे पा रही हैं, फिलहाल मतलब ये टिप तो नहीं दे पा रही हैं, लेकिन इनकी स्टाइलिंग जोरों पर है, ये हेयर स्टाइलिंग करवाने वाली हैं, अपना ब्लीच फेशियल भी इन्होंने लाइनअप पर रखा है, सभी कुछ इनकी तैयारियां हैं। और यहाँ पे जो हेयर स्टाइलर हैं उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की डिमांड्स आती हैं, लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। तो शाहिद ये बताओ आप मतलब कितने टाइम से, आप पहले ये बताइए कितने टाइम से आप ये ऐसा हेयर स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गया इस लाइन में जी, 5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ जी। तो अच्छा शायद ये है कि लोग किस तरीके के कलर्स मतलब हेयर स्टाइलिंग पसंद करते हैं? ज़्यादा तो लोग आजकल लॉन्ग बाग में हेयर कट चाहते हैं कि हमारे हेयर भी शॉर्ट ना हो और हमारे बाल भी बढ़े। अभी हमने कुछ महिलाओं से जाना कि किस तरीके से वो अपनी दिवाली की प्रिपरेशन कर रही हैं, अब कुछ लोग कुछ जेंट्स से भी जानते हैं कि वो लोग अपनी तैयारियाँ किस तरीके से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्सन मौजूद हैं, तो किस तरीके से अपना ब्लीच और फेशियल पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या करा रहे हैं, तो सीधे उन्हीं से ही पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आप लोग कहाँ से? आदित्य, तो क्या आज ये आपकी दिवाली की तैयारी चल रही है? यस, दिवाली भी और जन्मदिन भी है मेरा पास में, तो उसके लिए। तो आपका बर्थडे भी है और दिवाली भी है, तो दोनों काम आपके साथ साथ हो रहे हैं। यस। अच्छा, ये क्या लगा रखा है आपने फेस पे? ये D10 है। D10, इससे क्या होता है? D10 हो जाता है टैनिंग जो। मुझे एक्चुअली मेकअप के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है D10 से क्या होता है, हमने तो अधिकतर ये लड़कियों से सुना था, लड़के भी कराते हैं ऐसा हमें नहीं मालूम था, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि
रिटेनिंग हो जाती है तो उसको डिटेन करने के लिए आते हैं प्रोडक्ट्स, और लड़के और लड़कियाँ सेम प्रोडक्ट्स आते हैं, यूज़ करना चाहिए तो ये है। अच्छा, तो अब आप जैसे ट्रेंडिंग मेकअप फॉलो करते हैं, लड़के भी आजकल पीछे नहीं हैं, तो आप क्या क्या मेकअप ट्रेंड्स एंड क्या क्या स्टाइल फॉलो कर रहे हैं? लड़के पीछे नहीं है ये बात सच है, लेकिन मैं कोई ट्रेंड्स और स्टाइल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खाली क्लीनअप और डिटेन कराने के लिए आया हूँ, बाकी हेयर कट सिंपल बस। और दिवाली में और क्या प्रिपरेशन है आपकी? प्रिपरेशन क्या है, मेरा तो ऑफिस ही है, ठीक है, तो बाकी दिवाली में घर पे है, लाइट्स लगती है, और बाकी अभी मम्मी और फैमिली शॉपिंग पे गए हैं, तो वही सब है। तो सब लोग अपनी दिवाली की तैयारियों में अच्छे से जुट गए हैं। यहाँ पर एक मैम हमारे साथ में मौजूद हैं, वो मेहंदी लगाकर अपनी तैयारियाँ कर रही हैं, और सीधे और क्या क्या उनकी तैयारी है सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीना। नीना, यस, NEE। ओके नीना मैम, तो आपकी तैयारियां जोरों पर हैं, वो तो देख रही हैं। और बाकी क्या क्या तैयारी कर रही हैं आप? अभी आज शुरुआत हुई है, अब कल से तैयारी असली शुरू होगी, आज तो मेहंदी लगी है, कल से दिए एंड ऑल दैट। जी, तो ड्रेस के बारे में बात करें तो ड्रेस कौन सा पसंद करेंगे आप? इंडो वेस्टर्न। यस। मैं पसंद करती हूँ। अच्छा, और ज्वेलरी एंड मेकअप? ज्वेलरी एंड मेकअप भी इंडो वेस्टर्न टाइप्स। जी, मीन्स फंकी ज्वेलरी। अच्छा, अगर हम आपको एक ऑप्शन दें कि आपको अगर कभी सेलेक्ट करना पड़े कि गोल्ड जो ज्वेलरी है और ऑक्सीडाइज जो आजकल जो फ्यूजन है, तो वैसे पसंद करेंगी या गोल्ड पसंद करेंगी? फ्यूजन। यस, क्योंकि वो आजकल ट्रेंडिंग में है। अच्छा, तो मतलब नहीं, उसका उसका डिज़ाइन पैटर्न ज़्यादा पसंद आता है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आती है? मीन्स मुझे कुछ फंकी ज्वेलरी विथ पॉम पॉम एंड कलरफुल, जी आई वॉन्ट दैट। जी, मुझे वो पसंद है। थैंक यू, वेलकम, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। नीना जी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, उन्होंने मेहंदी से स्टार्ट की है अपनी तैयारी, और आगे भी वो ड्रेस के लिए इंडो वेस्टर्न ज़्यादा प्रेफर करती हैं और फंकी ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं रेदर देन गोल्ड ज्वेलरी। तो आज हम आपको लेकर आए थे पत्रकारपुरम चौराहा, जहां पर दिवाली के चलते यहां पर तमाम खरीदारी में लोग बिजी हैं। हमने आपको ट्रेंडिंग फैशन के बारे में जानकारी दी है कि किस तरीके से आप वो ट्रेंडिंग फैशन फॉलो करके आप अपनी दिवाली को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं, जिसमें हमने आपको कपड़े से रिलेटेड जानकारी दी है, जिसमें हमने आपको ट्रेंडिंग फैशन, ट्रेंडिंग ज्वेलरी, ट्रेंडिंग मेकअप, ट्रेंडिंग लाइट्स, हमने सब के बारे में आपको बताया है, ताकि आप इसे फॉलो करें और फॉलो करके आप अपनी दिवाली को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर बना सकें। कैमरा पर्सन रणधीर के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी, लखनऊ।